हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं जहां हम डिस्कस करेंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, पेज नंबर 6 एंड 7, इवोल्यूशन ऑफ एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। जैसा कि आपने लास्ट सेशन में ऑलरेडी वीडियो में पढ़ चुका है कि जो इवोल्यूशन है दैट इज द ग्रेजुअल चेंजेस विच इज अकर ओवर द लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो जो भी बदलाव हमारे काफी समय से चेंजेस होते आ रहे हैं उसे हम इवोल्यूशन कहते हैं। लेकिन ये जो चेंजेस हुए हैं इसके लिए हमारे पास क्या कोई ऐसा एविडेंस है? तो यस, उसके लिए यहां पर आपको दिया है मॉर्फोलॉजिकल एक एविडेंस है, एनाटॉमिकल भी एक एविडेंस है जो आपने पढ़ा है लास्ट वीडियो लेक्चर में, वेस्टिजियल ऑर्गन एंड प्लेंटोलॉजिकल, ऐसे चार एविडेंसेस आपने ऑलरेडी स्टडी किया है। आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लास्ट के जो दो एविडेंस रह गए हैं, एविडेंस का मतलब होता है एक प्रूफ बेटा जिसके आधार पर हम इस बात को एक्सेप्ट कर सके कि यस देयर इज अ ग्रेजुअल चेंजेस, यहां पर बहुत बदलाव हुए हैं जिसे हम इवोल्यूशन कहते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कनेक्टिंग लिंक्स के ऊपर। यह आपका पांचवा एविडेंस है। कनेक्टिंग लिंक्स भी एक तरीके का इवोल्यूशन ही हुआ है। वो कैसे? इसमें कुछ एग्जांपल मैंने लिए हैं जैसे कि डकबिल, प्लेटिपस, लंगफिश, ऐसे ऑर्गेनिज्म का मैं आपको एग्जांपल के मदद से आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे कनेक्टिंग लिंक्स भी एक हमारा एविडेंस है इवोल्यूशन का। तो कनेक्टिंग लिंक्स में जब ये देखा गया कि जो डकबिल प्लेटिपस था उसमें दो अलग स्पीसीज के कैरेक्टर्स एक्वायर किए हुए थे, तो टू डिफरेंस कैरेक्टर एक्वायर करके जो न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा दैट इज द इवोल्यूशन ना। तो उसमें भी चेंजेस आ गए। जैसे डकबिल जो उसने कैरेक्टर एक्वायर किया था वो एक रेप्टाइल से था और एक मैमल से था। रेप्टाइल मैमल आप बेसिकली जानते हैं। रेप्टाइल किसे कहते हैं? जो एग प्रोड्यूस करते हैं, और मैमल्स जो डायरेक्टली बर्थ, यंग वंस का बर्थ देते हैं। ठीक है, तो डकबिल में क्या था कि वो एग तो देता था, वो बच्चा नहीं देगा, वो एग ले करता था। साथ ही साथ उसके अंदर मैमेलियन ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड जिसे हम कहते हैं, वो भी प्रोड्यूस था, वो भी वो कंडक्ट करता था। साथ ही साथ रेप्टाइल में आने वाले जो स्पीसीज होते हैं उनकी बॉडी पे स्केल होता है, जैसे जनरली फिश की बॉडी के ऊपर आपने देखा होगा स्केल है, बट जो डकबिल प्लैटिपस था उसके बॉडी के ऊपर हेयर पाया गया, उसके बॉडी के ऊपर हेयर पाया गया। तो कुछ ऐसे कैरेक्टर कि वो रेप्टाइल का भी कैरेक्टर एक्वायर कर रहा है एज वेल एज मैमल का भी कैरेक्टर अपने साथ एक्वायर करता है। तो ऐसे दो डिफरेंट स्पीसीज के एक्वायर एक नए स्पीसीज में नजर आए, तो ये भी एक इवोल्यूशन की ही प्रक्रिया थी। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं लंग फिश में। लंग फिश एक ऐसा फिश है जो रेस्पिरेशन के लिए लंग्स का इस्तेमाल करता है, और आप जानते हैं फिश जनरली गिल से रेस्पिरेशन करते हैं, जनरली फिश अपने गिल से ही रेस्पिरेशन करते हैं, बट लंग फिश एक ऐसा फिश है जो फिश और एम्फीबियन दो डिफरेंट स्पीसीज के कैरेक्टर को एक्वायर किया हुआ था। तो इस एग्जाम्पल के आधार पर यह साबित हो जाता है कि इवोल्यूशन के लिए कनेक्टिंग लिंक्स भी एक एविडेंस साबित हुआ। आखिरी टॉपिक पर आते हैं, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। एम्ब्रायो जैसे आप जानते हैं, एम्ब्रायो जो जब तक फिटेस्ट जो बच्चे के मां के पेट में जो बच्चा होता है उसे हम एम्ब्रायो कहते हैं। तो अगर आप डायग्राम 1.10 देखेंगे तो यहां पर है मेरे पास, मैं आपको इसे दिखा देता हूं। पहले स्टेज में आप देखेंगे तो काफी सिमिलैरिटी है, फर्स्ट इनिशियल स्टेज में सारे एम्ब्रायो में। सेकेंड स्टेज में थोड़ी सी डिफरेंस कम हो जा रही है, और थर्ड में तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो इससे एक चीज तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि इनिशियल स्टेज में जो सिमिलैरिटी थी एम्ब्रायोज में वो बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी थी। ग्रेजुअली जैसे स्टेज बढ़ता गया, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे स्टेजेस बढ़ते गए, उनके अंदर की सिमिलैरिटी धीरे धीरे कम हुई, और एट द एंड स्टेज आते आते उनमें डिससिमिलैरिटी में नजर आई। तो स्टार्टिंग में जो एम्ब्रायो थे वो सारे सिमिलर थे, और ग्रेजुअली धीरे धीरे
उनमें हमने इवोल्यूशन देखा, यानी उनमें भी चेंज आया। सो एम्ब्रायोलॉजिकल इविडेंस भी हमें बहुत हेल्पफुल था इविडेंस ऑफ इवोल्यूशन में। तो एग्जाम्स में आपके जनरली पूछा जाता है एनी 4-5 इविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये 6 इवोल्यूशन के जो इविडेंसेस है आप इसमें से कोई भी 5 या 4 तैयार कर लीजिए जो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सके आपके एग्जाम्स के में। सो यहां पर हमारा इविडेंस ऑफ इवोल्यूशन टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट सेशन में हम लेमार्किज्म और डार्विन थियरी जो है, स्पीशिएशन है, ह्यूमन रिवोल्यूशन है, इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो आज के टॉपिक के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।